यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अंगानि। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों के अंदर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के रूप में अष्टांग योग का वर्णन किया है। बाह्य जीवन की शुचिता के लिए अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह रूप यमों का तथा आंतरिक जीवन की पवित्रता के लिए शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान रूप नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। यम नियमों का पालन करते हुए फिर हम आसन का अभ्यास करें। स्थिर सुखम आसनम, सुखासन में बैठ जाएं, सिद्धासन में बैठ जाएं या पद्मासन में बैठ जाएं, जिस आसन में बैठने में सुविधा हो उस आसन में बैठ करके फिर प्राणायाम का प्रतिदिन अभ्यास करें। प्राणायाम के करने से समस्त शारीरिक रोग दूर होंगे, मानसिक व्याधियों से छुटकारा मिलेगा और हम आत्मस्थ होकर के स्थित प्रज्ञ होकर के अपने ही आत्मा में उस विश्वात्मा को देख पाएंगे, जान पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। तो सबसे पहले बैठे हम सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में। बाएं पैर की एड़ी को सिवनी नाड़ी से लगा करके दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की एड़ी के ऊपर पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में, दोनों घुटने जमीन पर और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, तीन अंगुलियां खुली हुई और पहली अंगुली और अंगुष्ठ इनके अग्रभाग आपस में मिले हुए, यह ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा है। इस ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में बैठ करके आप प्राणायाम का अभ्यास करें। यदि आपको वात रोग हैं तो आप वायु मुद्रा में पहली अंगुली को जब अंगुष्ठ के मूल में लगा देते हैं तब वायु मुद्रा हो जाती है, इसमें बैठ करके भी हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और सिद्धासन के अतिरिक्त आप पद्मासन में दाहिने पैर को उठा करके बाएं जंघा पर रख देना और बाएं पैर को उठा करके उसके पंजे को दाएं जंघा पर रख देना, और संभव हो कि दोनों पैर की एड़ियां नाभि के दोनों ओर लग जाएं तो यह हो जाता है पद्मासन। इसमें बैठ करके भी प्राणायाम किया जा सकता है। जो सिद्धासन या पद्मासन में न बैठ सकते हों वे सुखासन में, जिसमें आराम से आप सीधे बैठे हों और मेरुदंड आपका सीधा हो, ऐसे आसन में बैठ करके भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। जो व्यक्ति नीचे न बैठ सकते हों वे कुर्सी पर बैठ करके भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और अब करते हैं हम प्राणायाम की प्रक्रिया में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। सांसों को भीतर गहरा भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। प्रसन्नता से, आनंद से, शांत चित्त होकर के धैर्य से सांसों को भीतर गहरा भरना, फेफड़ों तक, डायफ्राम तक, पेट में नहीं भरना। पेट में कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है, कोई भी ऐसी ग्रंथि नहीं है आपके उदर के अंदर जो ऑक्सीजन को अवशोषित करती हो। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स। इसलिए सांसों को भीतर गहरा फेफड़ों में ही भरना, पेट में नहीं। सांसों को गहरा भरेंगे भीतर, पवित्रता, दिव्यता, शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता का आधान करते हुए गहरे सांस भीतर भरें और बाहर छोड़ें। गहरे सांस भर रहे हैं भीतर और छोड़ रहे हैं बाहर, लेने और छोड़ने में एक जैसा दबाव। पूरी शक्ति के साथ सांसों को भीतर गहरा भरें और छोड़ते समय पूरा सांस बाहर छोड़ें। मन में एक प्रसन्नता और आनंद का भाव, एक प्राप्ति का भाव कि इस ब्रह्मांड की जितने भी दिव्य शक्तियां हैं, ऊर्जा है, पवित्रता है, आरोग्यता है, जो भी शुभ है इस ब्रह्मांड का, उसको मैं अपने मस्तिष्क में, अपने मन में, अपने प्राण में, अपने आत्मा में, अपने देह में मैं धारण कर रहा हूँ। शुभ का आधान करते हुए, पवित्रता का आधान करते हुए देह में आप कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। किसी तरह का तनाव न हो चेहरे के ऊपर,
प्रसन्नता से, सहजता से, एकाग्रता से, भावपूर्णता के साथ, जैसे आपको कुछ प्राप्ति होती, उपलब्धि होती है जीवन में, तो कैसे प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, इसी तरह का एहसास प्राणायाम करते समय आपके चेहरों पर हो। जब जब थकान लगे तब तब बीच में विश्राम कर लें, फिर दोबारा से करेंगे। हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए, फेफड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए, मस्तिष्क संबंधी समस्त व्याधियों से छुटकारा पाने के लिए, जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, विभस्त्री का प्राणायाम करना अवश्य है। जिनको माइग्रेन पेन हो, वे विभस्त्री का प्राणायाम अवश्य करना। माइग्रेन पेन, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, पार्किंसन का रोग, पैरालिसिस की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा भस्त्री का प्राणायाम करके। समस्त स्नायु आपके परिपुष्ट होंगे, सबल होंगे भस्त्री का प्राणायाम से। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पंचविध प्राण ही चलाते हैं आपके देह को। इस भस्त्री का प्राणायाम के करने से आपके पंचविध प्राण परिपुष्ट हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, ऊर्जावान हो रहे हैं, ऐसा विचार करते हुए करें। फिर से एक बार प्रारंभ, मेरा प्राणमय कोष परिपुष्ट हो रहा है, सबल हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। प्राण अपान व्यान उदान और समान, ये पंचविध प्राण परिपुष्ट हो रहे हैं, सबल हो रहे हैं। मेरा बॉडी का जो ऑरा सिस्टम है वो स्ट्रांग हो रहा है। मेरा देह है ज्योतिर्मय, तेजोमय, आभामय हो रहा है। अपने आप को दिव्य आभा से, दिव्य ज्योति से, दिव्य प्रकाश से, दिव्य ज्ञान से, दिव्य आलोक से, ईश्वरीय शक्ति से ओतप्रोत अनुभव करते हुए करना इस प्राणायाम को। इस प्राणायाम के करने से व्यक्ति की आभा बढ़ती है, हमारा जो आभा मंडल है उसका विस्तार होता है, जो हमारी इथरिकल बॉडी की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो ओरा है, वो इससे स्ट्रांग होती है भस्त्री का प्राणायाम से। विश्राम, रुक जाए, पुनः विश्राम करें। इस तरह से दिव्यता, शक्ति, ऊर्जा और पवित्रता का आधान करते हुए प्रतिदिन 2 मिनट ये भस्त्री का प्राणायाम करना। 2 मिनट अवश्य ही सभी व्यक्तियों को ये भस्त्री का प्राणायाम करना चाहिए। फिर आप यदि अधिक अभ्यास करना चाहते हैं तो अधिकतम 5 मिनट करें, इससे ज़्यादा न करना। इससे अधिक इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। न्यूनतम 2 मिनट और अधिकतम 5 मिनट इस प्राणायाम को प्रतिदिन करके आप जटिल रोगों से निवृत्ति पाना और सदा स्वस्थ रहने की एक ऊर्जा पाना इस प्राणायाम को करके। क्योंकि प्राणायाम केवल रोगी व्यक्तियों के लिए नहीं, जो व्यक्ति प्राणायाम करते हैं वे जीवन में कभी रोगी होते ही नहीं, इसलिए रोगी और निरोगी सभी को ये भस्त्री का प्राणायाम 2 मिनट अवश्य ही करना चाहिए। और अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। भस्त्रिका में हम श्वासों को भर रहे थे और छोड़ रहे थे, कपालभाति में खाली छोड़ना है श्वासों को बाहर। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, और जब श्वासों को बाहर छोड़ते हैं तो उधर का आकुंचन होता है सहज, पेट जाता है अपने आप अंदर। प्रयत्न पूर्वक श्वासों को बाहर छोड़ना, पेट अपने आप जाएगा अंदर। जैसे वॉमिटिंग होता है तो कैसे आपका पेट अंदर खींच जाता है, जैसे आप नाक साफ करते हैं तो कैसे पेट खींचता है। श्वास को बाहर ही धक्का देना, पूरे प्रयत्न से, पूरी शक्ति से, एक ही विचार, एक ही संकल्प कि मैं श्वास को बस बाहर छोड़ रहा हूँ। और जैसे आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो पेट अपने आप जाता है अंदर, होता है कपालभाति प्राणायाम। जब थकान लगे तभी रुक जाएं। प्रारंभ में आप इसको 30 बार ही करें। 30 बार करने पर पूरी तरह से आप थक जाते हैं, फिर विश्राम करें। विश्राम करके दोबारा हम प्रारंभ करेंगे। तो ये कपालभाति प्राणायाम, कपाल कहते हैं मस्तिष्क के इस अग्रभाग को, और भाति कहते हैं दीप्ति को। इस प्राणायाम के करने से
माथे पर एक ओज तेज आभा कांति ज्योति लावण्य आ जाता है। ये कपाल भाती प्राणायाम विशेष उपयोगी है चेहरे की आभा बढ़ाने के लिए। जो व्यक्ति कपाल भाती प्राणायाम करेंगे उनके कपाल पर, उनके ललाट पर एक आभा होगी, एक ज्योति होगी, एक तेज होगा, एक कांति होगी, एक लावण्य होगा। इसलिए अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए आपको किसी कॉस्मेटिक लगाने की आवश्यकता नहीं। आप कीजिए कपाल भाती प्राणायाम, चेहरे पर होगी एक आभा, चेहरे पर होगा एक तेज। और कपाल भाती प्राणायाम के करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, फिर कुंडलिनी जागरण होता है कपाल भाती प्राणायाम के करने से। कपाल भाती प्राणायाम करते वक्त मूलाधार चक्र में ध्यान करें तो फिर सहज ही कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, हम ऊर्ध्वरेता बन जाते हैं, शक्तियों का ऊर्ध्व रूपांतरण हो जाता है। फिर से करेंगे प्रारंभ कपाल भाती प्राणायाम का। सांस को पूरी शक्ति के साथ में बाहर छोड़ रहे हैं और मन में है एक संकल्प, एक विचार कि मेरे शरीर में जितने भी रोग हैं, विकार हैं, दोष हैं, अशुद्धियां हैं, सब बाहर निकल रहे हैं। शरीर में जब विजातीय तत्व संग्रहित तो होते हैं तभी रोग पैदा होते हैं। आप कपाल भाती प्राणायाम को करते समय मन में विचार करें कि मेरे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, सब बाहर निकल रहे हैं। जब शरीर में टॉक्सिन्स रहेंगे नहीं, शरीर में जब ऑक्सीडेंट्स रहेंगे नहीं, तो व्याधियाँ कैसे समा सकती है देह में। इसलिए विचार करें शरीर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है सब बाहर निकल रही है, रोग विकार दोष बाहर निकल रहे हैं। चित्त में भी जो जन्म जन्मांतरों के अशुभ विचार थे, संस्कार थे, वे सब बाहर निकल रहे हैं। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी अशुभ था सब बाहर निकल रहा है। जब थक जाएं तभी रुक जाएं, अपनी शक्ति का अतिक्रमण न करें, फिर से विश्राम करें बीच में एक बार। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, उच्च रक्तचाप के रोगियों को और हृदय रोगियों को मध्यम गति से इस प्रकार से करना चाहिए ये प्राणायाम। तीव्रता से न करें हृदय रोगी, तीव्रता से न करें उच्च रक्तचाप के रोगी, मध्यम गति से करें। जो कमजोर व्यक्ति हैं उनको भी धीरे धीरे ही ये प्राणायाम करना चाहिए और जब थक जाएं तभी रुक जाएं, अपने बल का, अपनी शक्ति का अतिक्रमण न करें। यदि मोटापा घटाना है तो इस प्राणायाम को 5 से 10 मिनट कीजिए, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। पहले दिन 1 मिनट ही करना, फिर धीरे धीरे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, अधिकतम 10 मिनट करना इस प्राणायाम। न्यूनतम समय है, मिनिमम टाइम है इसका 5 मिनट और मैक्सिमम टाइम है इसका 10 मिनट्स। इसलिए इस प्राणायाम को जो व्यक्ति मोटापा घटाना चाहते हैं, जो व्यक्ति पेट को सदा स्वस्थ रखना चाहते हैं, जो कब्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो गैस्ट्रिक और एसिडिटी से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो हेपेटाइटिस बी को मिटाना चाहते हैं, इस प्राणायाम को अवश्य ही 5 से 10 मिनट धीरे धीरे बढ़ाना अभ्यास। यह प्राणायाम प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को पूरी तरह से मिटा देता है। कपाल भाती प्राणायाम के करने से यूट्रस की गांठें भी डिजोल्व हो जाती है। बहुत अद्भुत है ये प्राणायाम, इसलिए मैं कहा करता हूं धरती की संजीवनी है कपाल भाती प्राणायाम। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हो और जो व्यक्ति जटिल रोगों से छुटकारा पाना चाहते, कोई भी रोग हो, धरती का कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो कपाल भाती से ठीक न होता हो। कपाल भाती प्राणायाम को करते समय मूलाधार चक्र में ध्यान करना तो फिर आप पाएंगे कुंडलिनी जागरण का आनंद। मूलाधार चक्र से एक ज्योति, एक आभा, एक प्रकाश पुंज ऊपर उठता हुआ स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र का शोधन करता हुआ सहस्रार चक्र तक पहुंचे। वो प्रकाश, वो आभा जो ज्योति ऊपर की ओर बढ़ी थी वो सहस्रार चक्र तक आएगी, सभी चक्रों का शोधन होगा। इसलिए चक्रों के शोधन के लिए, डायबिटीज के रोग के लिए, मोटापे से छुटकारा पाने के लिए, पेट की समस्त समस्याओं को मिटाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल और ट्रायग्लिसराइड को कम करने के लिए बहुत ही अद्भुत है ये कपाल भाती प्राणायाम। डायबिटीज के लिए, मोटापे के लिए,
एलर्जिक प्रॉब्लम्स के लिए, अस्थमा के लिए, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम के लिए, एलर्जी के लिए, जिनको सुबह उठ करके छींकें आती हैं उनके लिए, और जिनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, जिनको खर्राटे आते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है ये प्राणायाम। जिन बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ाई में, यही बच्चे इस प्राणायाम को करेंगे तो उनका मन इतना एकाग्र हो जाएगा कि फिर पढ़ाई में अपने आप लगेगा। मन की एकाग्रता के लिए बहुत ज़रूरी है कपालभाति प्राणायाम। कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है कपालभाति प्राणायाम से। फिर से करेंगे इस प्राणायाम का प्रारंभ। सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है। सांसों को बाहर छोड़ते हुए करना, यूं नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। सांसों को बाहर छोड़ना, तब अपने आप होगा सहज। कंपवात जैसे रोग से भी छुटकारा मिलता है इस प्राणायाम से। समस्त वात व्याधियां परीक्षण होती हैं। वात पित्त और कफ तीनों दोषों का बैलेंस हो जाता है। समदोषाः समग्नि स समधातु मृक्यः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थित्य विधीयते। पूर्ण स्वस्थता पाते हैं इस कपालभाति प्राणायाम के द्वारा। समदोष हो जाते हैं, समग्नि हो जाती है, धातुएं सम हो जाती हैं, मल का विसर्जन ठीक से होने लगता है, शरीर की सारी क्रियाएं अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं। आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता आती है, मन में एक आनंद आता है, उत्साह आता है, जीवन में एक दिव्यता आती है। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, इस कपालभाति प्राणायाम के करने से एक प्रसन्नता, एक आनंद आपके जीवन में आएगा। आप पूर्ण स्वस्थता पाएंगे कपालभाति प्राणायाम से। धरती की संजीवनी है कपालभाति प्राणायाम। आतुरों के लिए, रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, चाहे किसी को कैंसर है, चाहे किसी को हेपेटाइटिस बी है, चाहे किसी को एड्स की प्रॉब्लम है, सबके लिए जरूरी है ये प्राणायाम। और सब रोगियों के ऊपर, एक एक पर नहीं, लाखों लाखों व्यक्तियों पर प्रयोग करके हमने पाया है कि कपालभाति के बराबर न कोई दूसरी औषध है, न कोई दूसरी योग की विधा है। इसलिए हम कपालभाति प्राणायाम को विशेष रूप से कराते हैं। और योग के मनुष्यों ने षटकर्म में भी इसका वर्णन किया, धोतिर्वस्ति तथा नेति ही त्राटकम नोलिकम तथा कपालभातिश्च एतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। कपालभाति को अवश्य ही 5 मिनट तो कम से कम जरूर करना। आपको भोजन मिले या न मिले, आप नाश्ता करें या न करें, लेकिन कपालभाति प्राणायाम को अवश्य करना। कपालभाति प्राणायाम आपके जीवन का एक संकल्प होना चाहिए। आप प्रतिज्ञा करें कि मैं कपालभाति प्राणायाम बिना किए भोजन नहीं करूँगा, कपालभाति करके ही भोजन करूंगा, कपालभाति करके ही नाश्ता करूंगा, उसके बिना मैं नाश्ता नहीं करूंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। फिर देखना, जिंदगी में कभी आपको कोई भी रोग नहीं हो सकता। लाखों रुपए की बचत होगी, शरीर आपका स्वस्थ होगा, भगवान का दिया हुआ ये देह रूपी मंदिर फिर देवालय बनेगा। ये देह देवालय है। लोग कहते हैं शरीर व्याधि मंदिरम, अपने आप ही घड़ लेते मंत्र। कौन से शास्त्र में लिखा है शरीर व्याधि मंदिरम? ये देह तो देवालय है, भगवान का घर है। आप कपालभाति प्राणायाम करना और इस देह को देवालय बनाना, फिर भीतर से अपने आप को जानना, अपने आप को पाना, फिर अपने ही इस अंतर में उस ब्रह्म को पाना, एकाग्रता मिलेगी, ध्यान में गहरे उतरेंगे कपालभाति प्राणायाम से। फिर से एक बार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सहजता से करते हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं। माताओं को यूट्रस की कोई भी प्रॉब्लम है इससे मिटेगी। ट्यूब्स बंद हैं तो खुल जाएंगे, इससे यूट्रस के अंदर गांठें हो गई हैं तो इसे अपने आप डिजोल्व हो जाएंगे। मैंने देखा है कैंसर तक की गांठें इससे पिघलती हैं। एक भाई को कैंसर की गांठें होगी गले में, 10 दिन प्राणायाम किया, गांठें 1/4 रह गई। बहुत अद्भुत है ये प्राणायाम। बस एक ही विचार कि शरीर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, रोग, विकार, दोष, अशुद्धियाँ सब बाहर निकल रही हैं। जब सारे दोष, सारी अशुद्धियाँ, सारे विकार जब बाहर निकल गए तो फिर आप रह जाते हैं केवल पवित्र, शुद्ध, बुद्ध, निर्मल, चैतन्य, आनंदमय भाव में आप अवस्थित हो जाते हैं। यह हुआ कपालभाति प्राणायाम। और अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के बाद में 3 बार बाह्य प्राणायाम करना। और बाह्य प्राणायाम करके
समस्त उदर रोगों से निवृत्ति पाना, हर्निये के रोग को मिटाना। हर्निया पूरी तरह से मिट जाता है बाह्य प्राणायाम के करने से। धातु संबंधी व्याधियां मिट जाती हैं, पेशाब से संबंधित जितने भी रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो जाती है बाह्य प्राणायाम के करने से। ऊर्ध्वरेता बनता है व्यक्ति बाह्य प्राणायाम करके। जो हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो उससे मूलाधार चक्र की शक्ति जागृत होती है, और उस जागृत हुई शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण करते हैं हम बाह्य प्राणायाम करके। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो वे इस बाह्य प्राणायाम को न करना, जिनका बीपी बहुत हाई रहता हो वे भी न करना। यदि दवा लेने से आपका बीपी नॉर्मल रहता है तो आप 10-15 सेकंड एक बार में इस प्राणायाम को कर सकते हैं, अधिकतम 11 बार। बहुत अभ्यास लंबा करना हो तो 21 बार भी किया जा सकता है। आम व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को ये कम से कम 3 बार अवश्य ही करना चाहिए। श्वासों को अंदर भरेंगे, श्वास अंदर भरने के बाद फिर बाहर छोड़ देंगे। 3 बंद लगेंगे, ठोड़ी को कंठकूप में लगाएंगे, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे, नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींचेंगे। ठोड़ी को कंठकूप में लगाना जालंध्र बंध कहलाता है, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देना उड्डयान बंध कहलाता है, और नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच के रखना ये मूल बंध कहलाता है। श्वास को बाहर छोड़ने के बाद में, रेचक करने के बाद में ये 3 बंध लगेंगे। योग में श्वास को अंदर भरना पूरक कहलाता है, बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। बाहर का बाहरी रोक देना बाह्य कुंभक कहलाता है, और अंदर भर के अंदर रोक देना ये आभ्यंतर कुंभक कहलाता है। बाह्य प्राणायाम करते हुए हम रेचक करेंगे और बाहर ही रोक देंगे श्वास को, और 3 बंध लगाएंगे। फिर जालंधर बंध को हटाते हुए श्वास को अंदर भरेंगे और 3 बंधों को छोड़ देंगे। फिर से श्वास बाहर निकालेंगे और 3 बंध लगाएंगे इस प्रकार से। इस तरह से बाह्य प्राणायाम को कम से कम 3 बार से लेकर के 5 बार तक रोज करना, और यदि आप अभ्यास बढ़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए और 11 बार तक, और शीतकाल में आप इसको 21 बार तक कर सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया 3 से 5 बार की है बाह्य प्राणायाम की। यूट्रस के लिए विशेष उपयोगी होता है बाह्य प्राणायाम। जिन माताओं बहनों का यूट्रस बाहर निकलता हो या ट्यूब्स बंद हो उनके लिए भी विशेष उपयोगी है बाह्य प्राणायाम। हर्निया के रोगियों के लिए विशेष उपयोगी है बाह्य प्राणायाम, साथ ही समस्त उदर रोगों से छुटकारा दिलाता है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करने के बाद में अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारे शरीर के अंदर 72,72,10,210 नाड़ियां हैं, उन समस्त नाड़ियों का शोधन होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा। बाएं और दाहिने नाक का आलंबन लेके हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम को। बाएं को ही चंद्र स्वर और दाहिने को सूर्य स्वर कहते हैं योग शास्त्र में। बाएं नाड़ी को ईड़ा नाड़ी और दाहिनी को पिंगला नाड़ी कहते हैं। दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं
दाई नासिका को बंद करें, चंद्र स्वर से प्रारंभ करेंगे। इसी को चंद्र को ही गंगा और सूर्य को ही यमुना और मध्य को सरस्वती कहते। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी सब भीतर ही है। दाहिने नाक को बंद किया, बाएं से श्वास को भीतर भरें धीरे धीरे। पूरा श्वास भीतर फेफड़ों में भर गया। अब बाएं को बंद करें बीज की मध्यमा और अनामिका उंगली से, और दाएं से बाहर छोड़ें। अब दाएं से अंदर भरें और दाएं नाक को बंद करें, अंगूठे के माध्यम से बाएं से बाहर छोड़ें। अब बाएं से लें, दाएं से बाहर छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से बाहर छोड़ें, बाएं से लें, दाएं से बाहर छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से बाहर छोड़ें। ये क्रमबद्धता चलती रहे। फेफड़ों में ही पूरा श्वास अंदर भरें, भरते रहें गहरा श्वास भीतर। पेट में न भरें, फेफड़े फूलने चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा ऑर्गन आपके पेट में नहीं है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता हो। एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को आपके फेफड़े, इसलिए फेफड़ों में भरना गहरा और छोड़ना भी पूरा लंबा, भरना भी पूरा लंबा। हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी करना, हाई बीपी है तो पूरी तरह से ठीक होगा इसी प्राणायाम से। हार्ट के ब्लॉकेज भी इस प्राणायाम से निकलेंगे, लेकिन तीव्रता से नहीं करना, सहज होकर के करना, धैर्य से, प्रसन्नता से, आनंद से, मस्ती से, भावपूर्णता के साथ करना। और श्वासों को लेते और छोड़ते समय मन में ओंकार का ध्यान करना, बीच में विश्राम करें। कुंडली जागृत होती अनुलोम विलोम प्राणायाम से। प्राणायाम को करते समय मन में भाव करें, विचार करें, संकल्प करें कि मेरे सभी चक्र जागृत हो रहे हैं, भीतर प्राण की ऊर्जा उद्बुद्ध हो रही है। मन में एक संकल्प निरंतर चलता रहे, मन प्राण आत्मा सब कुछ ज्योतिर्मय तेजोमय हिरण्यमय हो रहा है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम परयुध्या तस्याम हिरण्यकोशः स्वर्गो ज्योतिषापृतः। भगवान अथर्वेद में कह रहे हैं, ये देह अष्ट चक्रों नौ द्वारों से युक्त देवों की नगरी पूरी अयोध्या है। इसी के अंदर एक अमृत से भरा हुआ अथाह भंडार है। आओ हम पाएं उस अमृत के खजाने को अनुलोम विलोम प्राणायाम करते वक्त। फिर से लगाएं दाहिनी नासिका के ऊपर दाएं हाथ के अंगूठे को और बाएं से सांस को भीतर भरें और बाएं को बंद करके फिर दाएं से बाहर छोड़ दें। फिर दाएं से भरें, बाएं से बाहर छोड़ दें। श्वासों के ऊपर एक लयबद्धता, प्राणों के साथ में एक तारतम्यता, प्राण के साथ में भीतर से एक संगीत सा झंकृत होने लगे। सहज होकर के प्राण के साथ में तन में होकर के करना ये प्राणायाम, और मन में विचार करना इस ब्रह्मांड से ईश्वर ऊर्जा का वर्षण हो रहा है। चारों ओर से ईश्वर का आनंद, ईश्वर की करुणा, ईश्वर की ज्योति, ईश्वरी दिव्य ज्ञान का वर्षण हो रहा है। दिव्य ज्ञान की संप्रेषणाएं हो रही हैं, चारों ओर से ईश्वरी आनंद को, ईश्वरी शांति को, ईश्वरी ज्योति को, ईश्वरी शक्ति को अनुभव करना। शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोह अभिश्रवन्तु। हे प्रभु, आपका आनंद चारों ओर से बरस रहा है। शक्तिपात की दीक्षा में दीक्षित होंगे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए। विचार करना, भाव रखना, संकल्प रखना ब्राह्मी शक्ति के साथ में जुड़ करके कि मैं ईश्वरी आनंद पा रहा हूँ, ईश्वरी शक्ति पा रहा हूँ, ईश्वरी ज्ञान का वर्षण हो रहा है, ऐसा विचार करना। सहज होकर के श्वासों पर मन को केंद्रित करके बीच में विश्राम करना। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम समस्त वात रोगों से, समस्त कफ रोगों से,
समस्त पित्त रोगों से छुटकारा दिलाता है। इसलिए यदि आपको अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपको कार्टिलेज आपके घिस गए, लिगामेंट्स आपके टेढ़े हो गए, साइनोवियल फ्लूइड आपका जो लिक्विड होता है जोड़ों के अंदर वो कम हो गए, तो ये प्राणायाम करना। इस प्राणायाम के करने से आपका साइनोवियल फ्लूइड जो लिक्विड होता है जोड़ों के अंदर वो अपने आप नियमित मात्रा में आ जाएगा। लिक्विड जो कम हो गया था वो बनने लगेगा, कार्टिलेज जो घिस गए थे दोबारा से बनने लगेंगे, लेगामेंट जो टेढ़े हो गए थे वो ठीक हो जाएंगे, हाथों की उंगलियां जो आपकी विकृत हो गई थी दोबारा से ठीक हो जाएंगी। अर्थराइटिस है तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, कपाल भाती और भस्त्रिका भी करना, लेकिन अनुलोम विलोम विशेष लाभप्रद होगा। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है तो भी ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, 70-80% ही नहीं 100% तक जिनको ब्लॉकेज थे उनको ठीक किया हमने अनुलोम विलोम और भ्रामरी आदि प्राणायाम करवा करके। इसलिए हार्ट के ब्लॉकेज के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए, स्नोफिल्स को कम करने के लिए, जितने भी प्रकार की शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई होती है, ऑक्सीडेंट्स बढ़े हुए होते हैं, उनको नियमित करने के लिए जरूरी होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसलिए नियमित रूप से इसको करना और पाना हृदय रोगों से छुटकारा, पाना कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति, पाना ट्राइग्लिसराइड से मुक्ति, अपने आप नियमित हो जाएंगे आपके ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल। उच्च रक्तचाप हमेशा के लिए फिर सामान्य हो जाएगा। उच्च रक्तचाप का स्थायी उपचार है अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर से करेंगे इसी प्राणायाम को प्रारंभ। बाएं से लेना निरंतर, दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना, निरंतर क्रम जारी रखना, सहजता से, प्रसन्नता से, एक दूसरे की विरुद्ध नासिका से, एक दूसरे के एंटीनोस्ट्रल से, इस तरह से करना ये प्राणायाम अनुलोम विलोम, और पाना फिर समस्त रोगों से छुटकारा। स्नायु तंत्र परिपुष्ट होगा, स्वस्थ होगा, पार्किंसन का रोग मिटेगा इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से, और कंपवात से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। डिप्रेशन मिटेगा, डिप्रेशन का एकमात्र यदि कोई समाधान है तो वह है प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, डिप्रेशन से छुटकारा मिलेगा। माइग्रेन पेन आपका सदा के लिए ठीक हो जाएगा, मस्तिष्क के स्नायु के अंदर आए हुए ब्लॉकेज दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ इससे पैरालिसिस ठीक होता है, कंपवात ठीक होता है, मस्तिष्क संबंधी जितने भी व्याधियाँ हैं, हृदय संबंधी जितने भी व्याधियाँ हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम, साइनस, साइनोसाइटिस, एलर्जिक प्रॉब्लम, छींकें आना, स्नोरिंग की प्रॉब्लम, सबसे छुटकारा मिलेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम से। बीच में विश्राम करते रहे और विश्राम करके श्वासों पर ध्यान दें, हर एक श्वास के साथ में ओंकार का ध्यान करते हुए अनुलोम विलोम करना चाहिए, तो ध्यानात्मक दृष्टि से भी विशेष उपयोगी होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए बहुत जरूरी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से मूलाधार चक्र में सन्निहित दिव्य शक्ति का ऊर्ध्व रूपांतरण हो जाता है। मूलाधार चक्र की शक्ति का ऊर्ध्व रूपांतरण ही है कुंडलिनी जागरण। इसी को योग शास्त्र में ऊर्ध्वरेता होना कहा जाता है। वेदों में स्वयं परमात्मा कहते हैं तुम ऊर्ध्वरेता बनो, प्राणायाम करो, मृत्यु पर विजय पाओ, प्राणापानो मृत्युर्मापातम। आओ हम प्राण के ऊपर संयम करके मृत्यु पर भी विजय पाना सीखें। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद महर्षि पतंजलि कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए आप निर्विचार स्थिति में पहुंच जाते हो, और निर्विचार स्थिति में पहुंच करके भगवान की करुणा, भगवान का आनंद, भगवान का दिव्य ज्ञान आपको मिलता है, ईश्वरीय करुणा बरसती है, फिर ईश्वरीय शक्ति बरसती है। इसी को शक्तिपात कहते हैं। कुंडलिनी जागरण और शक्तिपात के लिए इसलिए जरूरी है कम से कम 10 मिनट ये प्राणायाम प्रतिदिन करना। और महर्षि पतंजलि इससे आगे कहते हैं कि जब तुम निर्विचार स्थिति में पहुंच करके प्रज्ञा प्रसाद पाते हो तो फिर क्या होता है, ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा,
वहाँ रितंभरा प्रज्ञा मिल जाती है, जीवन का सत्य बोध होता है, जीवन का सारा असत, जीवन का सारा तमस मिट जाता है, अंतस पवित्र हो जाता है, भीतर के सारे दोष, जन्म जन्मांतरों के जो छाए हुए चित्त के अंदर अविद्या के संस्कार सब मिट जाते हैं और हम पाते हैं अपने सत्य स्वरूप को और पाते हैं अपने ही भीतर उस विराट ब्रह्म को। फिर से करेंगे एक बार इसी प्राणायाम को और फिर देंगे विराम। विश्राम। और अब सहज होकर के, अंतर्मुख होकर के, सित प्रज्ञ होकर के आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित करते हुए, मन तो अपने आप ही सहज एकाग्र हो जाता है प्राणायाम से, आज्ञा चक्र में मन का निग्रह करते हुए आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, ब्रह्म का आह्वान, मन में विचार करना, ओंकार विश्व नियंता शक्ति, ओंकार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, ओंकार का ध्यान करते हुए आज्ञा चक्र में मन एकाग्र रखते हुए नाद में उच्चारण करेंगे ओंकार का, मुख बंद रहेगा, नासिका से श्वास लेना और नासिका से भ्रमर की तरह ध्वनि करते श्वास को बाहर छोड़ना है, कान बंद होंगे, अंगूठों के माध्यम से कान के ऊपर जो भाग ऊपर उठा हुआ है उस ढक्कन से भाग को अंदर दबाएंगे, बंद कर दें और पहले उंगली रखेंगे माथे पर, शेष तीन उंगलियां मिली हुई और नासिका के और आँख के मूल में यहाँ पर पहली उंगली को लगा दें, बीच वाली उंगली जो है उसको इस तरह से लगाएं, तीन उंगलियां मिली हुई इनमें से जो पहली उंगली है उसको आँख और नाक का यहाँ पर जो मूल भाग है यहाँ पर हल्का सा लगा करके दबाएं और आज्ञा चक्र में मन को रखेंगे केंद्र, तो आज्ञा चक्र में एक आभा, एक ज्योतिपुंज, एक प्रकाशपुंज स्वतः आपको दिखाई देगा और उस दिव्य आभा में, उस प्रकाश पुंज में, उस दिव्य आलोक में, उस दिव्य ज्योति में आप समाहित से हो जाएंगे। ओंकार आनंदमय ज्योतिर्मय तेजोमय शांतिमय है, उस भगवान का आनंद, उस भगवान की करुणा, उस भगवान का दिव्य ज्ञान मुझ पर बरस रहा है, चारों ओर से आनंद स्रोत बह रहा है, परम पिता परमेश्वर के अंदर समाहित होकर के करें। ओंकार उस ब्रह्म का सर्वोपरि नाम है, हिमालय के अंदर स्थित उच्च पर्वत कैलाश पर भी स्वयं परमात्मा ने अपना नाम लिखा, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम ये एकाक्ष ब्रह्म है, गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, और सब ऋषिमुनियों ने इसी ओंकार के जप के द्वारा ब्रह्म तत्व को पाया, इसी ओंकार के जप के द्वारा उन्होंने मोक्ष को पाया। आइए हम भी ओंकार का नाद करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, दोनों हाथ के अंगूठे कानों पर लगाएं, श्वास को पूरा अंदर भरें, यह भ्रामरी प्राणायाम तनाव से मुक्ति पाने के लिए, हर तरफ व्यक्ति को तनाव है, चिंता है, भय है, आशंकाएं हैं, अविश्वास है, तनाव तीन ही कारणों से मुख्य रूप से होता है, व्यक्ति को अपने शरीर की व्याधियों से तनाव हो जाता है, स्वयं के कारण से तनाव अथवा अपने संबंधियों के कारण से तनाव या अपने व्यापार से तनाव, किसी भी तरह का तनाव है, आप ओंकार का नाद में इस तरह से भ्रमर की तरह ध्वनि करते हुए भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, तनाव से पूरी मुक्ति मिलेगी आपको।
फिर आपको हाइपरटेंशन भी नहीं होगा। उच्च रक्तचाप के रोग को यदि आप स्थायी रूप से ठीक करना चाहते हो तो भ्रामरी प्राणायाम करना, और यदि आप चाहते हो हृदय रोगों से बचना तो भी भ्रामरी प्राणायाम करना। उच्च रक्तचाप के लिए, हृदय रोग के लिए, हार्ट के अंदर आए हुए ब्लॉकेज को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी है यह भ्रामरी प्राणायाम। समस्त प्रकार के जो तनाव हैं उनसे छुटकारा दिलाता है आपको भ्रामरी प्राणायाम। प्रातः उठकर के करना, सायंकाल सोते वक्त भी इसको करना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। भ्रामरी प्राणायाम का करना समस्त प्रकार के तनावों से मुक्ति मिलेगी, हृदय रोग से मुक्ति मिलेगी, और जो भी आपके भीतर नेगेटिव एनर्जी हो इससे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ओंकार ध्वनि के अंदर जो दिव्य स्पंदन होते हैं उससे आपका मन प्राण आत्मा सब कुछ आह्लादित होगा, दिव्य होगा, दिव्य रूपांतरण होगा आपके तन का, मन का, विचार का, भावों का, चित्त का। आप प्रतिदिन भ्रामरी प्राणायाम करके पॉजिटिव एनर्जी पाना, सकारात्मक ऊर्जा पाना, ब्रह्मानंद पाना। भ्रामरी प्राणायाम करने से व्यक्ति के ऊपर शक्तिपात होता है, इसलिए शक्तिपात की दीक्षा से दीक्षित होना चाहते हैं तो भी भ्रामरी प्राणायाम करना। भ्रामरी प्राणायाम के करने से आपको मिलेगा ब्रह्मानंद। जैसे आज हम यहाँ पर गंगा नदी के पवित्र तट पर बैठ कर के भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं, इसी तरह से महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज 18-18 घंटे बैठ करके ओंकार की उपासना किया करते थे, उद्गीत की उपासना किया करते थे। गौतम, कपिल, कणाद, जयमिनी, विश्वामित्र आदि ऋषि भी इसी तरह से ओंकार के जप के द्वारा ब्रह्म आराधना किया करते थे। भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण और राम ने भी ओंकार के ही जप के द्वारा उस विराट ब्रह्म के स्वरूप को अपने अंतर में धारण कर अवतारी पुरुष की कोटि को प्राप्त किया था। हम भी समस्त दैहिक और मानसिक रोगों से छुटकारा पाने के लिए इस प्राणायाम को प्रतिदिन किया करें। पैरालिसिस के लिए, माइग्रेन पेन के लिए और डिप्रेशन के लिए भी बहुत जरूरी है ये भ्रामरी प्राणायाम। आत्मविश्वास कमजोर पड़ गए, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता किसी भी विषय में, आप करना भ्रामरी प्राणायाम। अब हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम, ओंकार का उच्चार। आज चक्र में ही मन की एकाग्रता बनी रहे। भ्रामरी प्राणायाम के करने से जो एक दिव्य आभा, एक ज्योति पुंज, एक प्रकाश पुंज, एक दिव्य आलोक उत्पन्न हुआ था आज चक्र में, वहीं पर आज चक्र में ही मन का निग्रह करते हुए जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, त्रिवेणी संगम, इस आज चक्र में मन का निग्रह रखते हुए ओंकार का उच्चारण करेंगे उद्गीत के रूप में, और आह्वान करेंगे उस विश्व नियंता ब्रह्म का। हम उस अमृत के पुत्र हैं, वयम पुत्रम अदितीर्यो विधर्ता, ममेव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। ईश्वर अंश जीव अविनाश। आओ उस ब्रह्म के अंश अपने आप को अनुभव करते हुए उस महान पिता के पुत्र होने का गौरव और स्वाभिमान आनंद अपने हृदय में रखते हुए ओंकार के साथ में तन्मय हो जाए, भावपूर्णता के साथ में, भीतर एक श्रद्धा, एक तड़फ, एक लगन, एक समर्पण गहरा, एक विरह का भाव कि हे प्रभो, भोगों की अग्नि में तपते हुए न जाने कितने जन्म कितने जीवन बीत चुके, अब प्रभो मुझे योगाग्नि में तपाओ, अब प्रभो अपने शरण में ले लो, अब मुझे और दुखी न करो, प्रभो अब तो मोक्ष दे दो, अब तो अपना आनंद दे दो, अब तो अपने अमृतमयी गोद में प्रभो मुझे अवस्थित कर लो। अपने आप को ब्रह्मानंद में अनुभव करते हुए ये मानते हुए कि मैं उस परमात्मा के आनंदमयी गोद में बैठा हूँ, चारों ओर से ब्रह्म से पूरित हूँ, ब्रह्म इदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म इदम विश्वम इदम वरिष्ठम। आओ उस ब्रह्म के साथ में तदाकार होकर के
बाहर भीतर दाएं बाएं ऊपर नीचे उसी ब्रह्म की शक्ति और सत्ता का अनुभव करते हुए ओंकार का जाप कर सांस को गहरा भरते हुए और पाएं समस्त दैहिक और मानसिक रोगों से छुटकारा और जोड़ें अपनी चेतना को वैश्विक चेतना से, आत्मा को विश्वात्मा से, अपने आप को जानें और अपने ही भीतर विद्यमान उस ब्रह्म को पहचाने। आत्म साक्षात्कार और प्रभु साक्षात्कार की राह है यह ओंकार का जप। सांस को भीतर गहरा भरेंगे और फिर ओंकार का उच्चारण करेंगे उद्गीत के रूप में। तीन मात्राएं होंगी ओंकार की और अर्ध मात्रा होगी मकार की। ओ